फ्रेंड्स, आज मैं आपको 10 जहरीले मशरूम दिखाने वाला हूँ और अगर आप इनसे दूर रहे तो वही अच्छा है। दुनिया में मशरूम की 15,000 स्पीशीज पाए जाते हैं, उनमें से सिर्फ 600 स्पीशीज ही खाने लायक है और कुछ मशरूम इतना जहरीला है कि अगर आप उनको खाए तो रिजल्ट आपकी मौत निश्चित है। सो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने वाला हूँ कौन सा मशरूम जहरीला होते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ आइडिया क्रिएटर। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। नंबर 10, जायरोमाइट्रे एस्केलेंटा या फॉल्स मरेल के नाम से भी जाना जाता है। यह मशरूम नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले में से सबसे जहरीला मशरूम में से एक है। नंबर 9, पोडोस्ट्रोमा कॉर्नेडिवा। यह मशरूम जितना दिखने में खूबसूरत है उतना ही जहरीला है। इसके सिर्फ 1 ग्राम आपकी जान लेने के लिए काफी है। पोडोस्ट्रोमा दिखने में लाल और सिलेंडर शेप का होता है। इसको खाने से आपके लिवर फेल और बाकी ऑर्गन काम करना बंद कर देता है। ये मशरूम कोरिया और जावा आइलैंड में पाया जाता है। नंबर 8, पॉलिट्यूना रिगोसा या कॉनोसाइफाइलर्स के नाम से जाना जाता है। यह मशरूम आम लंबा ब्राउन कलर का होता है और ये नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है। ये मशरूम लिवर और किडनी को फेलियर कर देता है। इसको खाने से 120 घंटे में मौत हो जाएगी। नंबर 7, प्लूरोसाइबेला पैराजिन्स या एंजल विंग्स के नाम से जाना जाता है। ये मशरूम ओइस्टर मशरूम की स्पीशीज का है। ये मशरूम जापान, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इस मशरूम को खाने से पेट में जलन और बदन में बेहद दर्द होने लगता है। नंबर 6, गैलरीना मार्गनीटा या ऑटम स्कॉल कैप के नाम से जाना जाता है। यह मशरूम मार्च से लेकर सितंबर के महीने तक उगते हैं। यह मशरूम कटे हुए पेड़ों में उगते हैं और इसको खाने से पहले आपको डायरिया हो जाएगी और 10 घंटे बाद आपकी मौत हो जाएगी। नंबर 5, लिपियोटा बर्नियो इनकॉर्नेटा या डल डबलिंग के नाम से जाना जाता है। इस मशरूम में लार्ज अमाउंट में एमाटॉक्सिन होता है जो 8 से लेकर 16 साल के बच्चों पर ज़्यादा असर करता है। इसको लेकर यूरोप में हर साल 10,000 केसेस आते हैं। ये मशरूम दिखने में खूबसूरत बट बेहद जानलेवा है। नंबर 4, कॉटोनेरियस रिवलस या डेडली वेब कैप के नाम से जाना जाता है। मशरूम ह्यूमन को किल करने की ताकत रखता है। ये मशरूम नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में पाया जाने वाले सबसे बड़े जहरीला मशरूम है। एक्सपर्ट्स भी इन मशरूम को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको खाने से 48 घंटे में मौत हो जाएगी। नंबर 3, एमेनिटा वेरिना या फूल्स मरेल के नाम से जाना जाता है। ये मशरूम दिखने में बेहद खूबसूरत और सफेद कलर का होता है। इनकी स्पीशीज दुनिया का तीसरा डेंजरस मशरूम है। इसको खाने से आपके शरीर में बेहद जलन होगी और धीरे धीरे डायरिया हो जाएगा। इलाज ना होने पर 24 घंटे में आपकी मौत हो सकती है। नंबर 2, एमेनिटा विरोसा या डिस्ट्रॉइंग एंगल के नाम से जाना जाता है। ये मशरूम स्प्रिंग के मौसम में उगते हैं और ये यूरोप में ही पाए जाते हैं और इस मशरूम का नाम यूरोपियन डिस्ट्रॉइंग एंगल भी कहा जाता है। इस मशरूम को खाने से सिर में दर्द होने लगती है। ये मशरूम दुनिया का दूसरा जहरीला मशरूम है। नंबर 1, एमेनिटा फ्लोइडस या डेथ कैप के नाम से जाना जाता है। ये मशरूम दुनिया का सबसे जहरीला स्पीशीज में एक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत इस मशरूम को खाने से ही होता है। अगर आपने इस मशरूम को खाया तो आपकी बॉडी से जहर निकालना नामुमकिन है। दोस्तों, आपको कौन सा मशरूम अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर